तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोग ने देखा था कि यार मैं सिंचन गए थे लॉस सैंटोस को बचाने के लिए और हमारी मदद कर रहे थे सुपरमैन गाइस, लेकिन सुपरमैन हमारी मदद कर रहे थे लेकिन ज़ॉम्बी ने उसको भी काट के ज़ॉम्बी बना दिया। अरे यार बहुत बुरा लग रहा है गाइस, यार हमारी ज़ॉम्बी बन गई है सुपरमैन भैया। गाइस हाँ हाँ वो बन तो चुके हैं लेकिन अभी हमने उनको सेफ रख रखा है। गाइस मुझे इतना बुरा लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ, अब वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे तो उनको यार ठीक कैसे करेंगे, सिंचन हमारे पास तो एंटीडोट भी नहीं है, उनको ठीक कैसे करेंगे हम। अरे यार फिलहाल तो वो सेफ है गाइस, यार क्या करे समझ नहीं आ रहा है। उड़ी बाबा कुछ तो कुछ सोचो यार सेंट फ्रैंकलिन। गाइस हमें कुछ ना सोचना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको मैं मिला देता हूँ कहाँ गई यार हमारी ये सुपरमैन भैया। ये देखो गाइस हमने इनको पिंजरे में रखा हुआ है। अरे फ्रैंकी भाई उनकी हालत देखो यार, वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। गाइस हमारे ये सुपरमैन भैया को देखो क्या हो गया है, उनको समझ नहीं आ रही है यार। गाइस देखो सुपरमैन भैया ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और लेकिन यार ये बाहर होते ना तो सबको काट देते, लेकिन यार अंदर है ये भी संभले हुए हैं। गाइस हमें क्या करना चाहिए। अबे तुम लोग कहाँ गए यार, मेरा पीछा छोड़ के चले गए क्या। अरे हम सीढ़ी से आ रहे हैं, ऊपर से आए तो गिर गए नहीं यार, हम थोड़ी ना गिरेंगे आपके जैसे नुबड़ो की तरह। गाइस अच्छा मैं गिर गया था, मुझे तो ये पता ही नहीं चला। चलो ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ यार। तो आ गए। उड़ी बाबा हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा फ्रैंकलिन, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में यार बाबा। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका एंटीडोट तो वही बना सकता है जिसने इसको बनाया था, और वो है कौन, साइंटिस्ट। अरे यार चलो फिर उठा के इनको लेके चले, फटाक से इनको बेहोश कर दो यार और क्या। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला सिंचन, एक काम करो इसको स्टन गन से बेहोश कर दो यार। गाइस पहले इसको इलेक्ट्रिक गन से ना बेहोश करते हैं, फिर इनको लेके जाते हैं साइंटिस्ट के पास, और साइंटिस्ट देखे कुछ ना कुछ पता लगा ही लेंगे ना कि न्यू वायरस कैसा है कैसा नहीं है। तो एक मिनट यार सॉरी मैं आपको मार रहा हूँ, ये भागो मत, भाग भी नहीं पाओगी। गाइस ये देखो झटका तो दे रहा हूँ लेकिन उन्हें कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन ये ले। अरे यार वाह बढ़िया से झटका लग गया। अरे बस और झटके यार, फ्रैंकी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको थोड़े और झटके मारो। एक मिनट रुक जा सिंचन। गाइस यार इतने बार गन मारने के बाद भी वो अभी तक खड़े हैं। अरे यार लेट जाओ ना, सो जाओ, बेहोश कर जाओ, तभी तो हम आपको लेके जाएंगे साइंटिस्ट के पास। अबे भाई साहब लेट गए भाई सिंचन, चल इनको लेके चलते हैं अब। अरे एक काम करते हैं मैं उठा देता हूँ, फिर आप प्लेन उड़ा लेना ठीक है यार। चल ठीक है सिंचन, एक काम कर पिंजरा खोल और इनको उठा यार फटाक से। अरे फ्रैंकी भाई मैंने उनको उठा लिया। अरे बाप रे कितने भारी हैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो रही है, जल्दी जल्दी चलो यार। गाइस देख रहे सिंचन ने उठा रखा है सुपरमैन भैया को और मैं सीधे जाने वाला हूँ, सीधे कहाँ पे जाऊंगा मैं भूल गया यार। अरे ह्यूमन रिसर्च लैब। गाइस यार फ्रैंकी भाई भुलक्कड़ हो गए हैं लगता है यार, जल्दी जल्दी चलो फ्रैंकी भाई मैं आपके पीछे आ रहा हूँ यार। गाइस हाँ हाँ मुझे याद आया। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, इसको यार ढंग से रखना क्योंकि सुपरमैन बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो खुला छूट गया तो। गाइस मुझे इतना बात तो पता है, लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर जो साइंटिस्ट जिसने वायरस बनाया है वो इसका एंटीडोट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अरे फ्रैंकी भाई वो बना लेंगे एंटीडोट, आप टेंशन मत करो, पहले यहाँ से चलो तो ह्यूमन रिसर्च लैब यार। गाइस सिंचन सही बात बोल रहा है, हम लोग को पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। उड़ी बाबा सिंचन तुम उधर मत जाना, उधर लोग हैं, अगर लोग देख लेंगे ये कि सुपरमैन हमारे ज़ॉम्बी बन रखे हैं तो लोग डर जाएंगे बाबा, पहले फ्रैंकलिन को प्लेन लाने दो बाबा। गाइस द लास्ट बेस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उधर सुपरमैन भैया को लेके गए ज़ॉम्बी की हालत में तो लोग यार डर जाएंगे और यहाँ से भागने लगेंगे। तो गाइस एक काम करता हूँ मैं ही ये हेलीकॉप्टर लेके जाऊँ या यार वो जेट लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ यार। एक काम करता हूँ ये हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ो जेट ही लेके जाता हूँ सिंचन। हाँ चलो ठीक है ये बढ़िया ही है, जो भी बैठा ही हुआ है यार। अरे आओ आओ फ्रैंकलिन मुझे पता था हम लोग कहीं जाने वाले हैं क्योंकि यार सुपरमैन भैया की हालत सही नहीं है यार, चलो चलो जल्दी चलो। गाइस चलो ठीक है फुल स्पीड में यहाँ से निकलते हैं और सिंचन और सुपरमैन भैया को बिठाते हैं। गाइस सिंचन तो अकेले लेके बैठ जाएगा यार। अरे यार रुको रुको दो मिनट गाइस, अभी बैठना पड़ेगा मुझे। अरे फ्रैंकी भाई चलो चलो, मैंने फिर सुपरमैन भैया को अच्छे से पकड़ लिया है यार। पकड़े रखियो यार अब यहाँ से उड़ते हैं। ओ गाइस अरे भाई यार फ्रैंकी भाई एक नंबर टेक ऑफ किया यार। सो गाइस हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं, बहुत तेज चल रही है यार ये प्लेन तो। गाइस देख रहे हो जैसे वहाँ से उड़े और लॉस सैंटोस पहुँच भी गए, अबे तेरी इतना स्पीड कैसे हो सकता है कोई सिंचन। अरे यार वो बूस्ट की वजह से हो गया। गाइस आप लोग देख सकते हो पीछे से फ्लेम्स निकल रही हैं यार। अरे हाँ सिंचन मुझे दिख रहा है, फ्रैंकी भाई आपको दिखा क्या। मैं भाई साहब चला रहा हूँ कि देखूंगा। गाइस ये लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं
ऑल राइट गाइस, अभी तो मैं आ चुका हूँ ह्यूमन रिसर्च लैब में। अब मैं ये सोच रहा हूँ लैंड कहाँ कराओ सिंचन। अरे यार यहाँ चीने करोगे ऊपर ऊपर उठे तेरी गाइस में लैंड। और चलो यहाँ पे थोड़ी खाली जमीन है, यहीं लैंड करवा देता हूँ। रामजी 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 बच गई यार, मुझे लगा गाइस वही बिल्डिंग में लैंड करवा देता हूँ, लेकिन यार वो तो मैं भूल गया, क्रैश भी हो जाएगी सिंचन ये तो। अरे अब क्यों क्या लगा, ये डायमंड प्लेन है के बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। गाइस ये फेंगी भाई का दिमाग पता नहीं कहाँ पे है। चलो फेंगी भाई ज़ॉम्बीज आ रहे होंगे यार, जल्दी जल्दी चलो। अरे सिंचन देख आ गए गाइस, देखो उधर सारे ज़ॉम्बीज हैं, अरे कुछ करो यार फ्रैंकलिन। गाइस देख रहे हो सारे के सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पे खड़े हुए हैं, अब हमारी आवाज सुनेंगे तो सारे सारे आ जाएंगे। तो गाइस यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन ज़ॉम्बीज की बैंड तो मैं बजाता हूँ। अबे ये देखो गाइस जैसी आया नहीं, और स्वागत के लिए पहली आता है सिंचन, जल्दी तू बच बचा के जल्दी आते जाइयो। अरे ठीक है गाइस, यार अभी सारे ज़ॉम्बीज तो अंदर हैं और ये लोग हमारे पीछे पूरा रास्ता घूम के आएंगे यार, हम लोग फिर खुद के अंदर चले जाएंगे। गाइस ये बात तो सिंचन ने सही बोली, सारे के सारे हमारे पास आ रहे होंगे और हम यहीं खड़े रहेंगे, जैसे ये लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग अंदर कूद के चले जाएंगे। अरे बुलाओ बुलाओ सबको बुला लो, अरे सारे ज़ॉम्बीज इधर आओ इधर आओ। गाइस जैसे वो लोग उधर जाएंगे हम लोग फटाक से अंदर घुस जाएंगे यार। गाइस देख रहे हो सारे के सारे ज़ॉम्बीज कहीं जा रहे हैं, और जैसे थोड़ा आगे जाएंगे और अंदर गाइस। अरे फेंगी भाई जल्दी भागो, वो देखो कुत्ता आ गया। गाइस जैसे अंदर आए दो तीन को पता भी चल गया कि हम अंदर आ चुके हैं। अबे भाई साहब इतने चला कैसे सकते हो तुम लोग। अरे वो कुत्ते को मारो। ओ यार बच गए गाइस, अभी तो फेंगी भाई बचते बचते आगे भाग रहे हैं। अरे मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, मारो मारो सबको मारो यार। सब इनको तो गोली से भी कुछ नहीं हो रहा भाई, इतनी गोलियां मार रहा हूँ सिंचन देख रहे तुरंत खड़े हो जाते हैं तो। अरे फेंगी भाई मैंने बोला ना ये लोग बहुत पावरफुल बन चुके हैं। गाइस यार पता नहीं कैसे जल्दी आ जल्दी आ सिंचन, सेंटर भी खुल गया। अबे ज़ॉम्बी तेरे से पहले आ जाएगा भाई जल्दी आ। अरे आ रहा हूं। गाइस यार ज़ॉम्बी की मेरे से ज्यादा बड़ी पैर है ना इसीलिए, वरना सही में मैं पहले आ जाऊं हमेशा हर तरफ। गाइस देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उनको पता चल चुका कि यहाँ पे कोई आया है, और वो लोग सारे सारे एक साथ आ रहे हैं गाइस। अरे हाँ देखो देखो गाइस जो भी उधर जा रहे थे वो सारे वापस इधर आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो फ्रैंकलिन अंदर चलते हैं, ये गेट अपने आप बंद हो जाएगा। गाइस चलो अंदर चलते हैं साइंटिस्ट के पास, और यहाँ से लाइट वगैरह ऑन कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस अभी साइंटिस्ट को ढूंढना है, और यार साइंटिस्ट को बोलना है कि सारा का सारा सोल्यूशन तुरंत बनाए यार, लॉस सैंटोस बहुत बड़े खतरे में है। और ये सुपरमैन को भी ये एकदम सेफ रखें गाइस, अगर सुपरमैन जग गए या अगर वो ज़ॉम्बी से अपना उनने वो शोर दिखाया तो ये बहुत ज्यादा हमला हो जाएगा यार हर तरफ। गाइस सही बात है, सुपरमैन भैया जग गए ना और वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन यार वो तबाही मचा देंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड पावर में है यार। अरे बिल्कुल सही बोला। ऑल राइट गाइस अभी यार सिंचन की गर्दन दर्द होने लग गई, तो सुपरमैन भैया को यहाँ पे लेटा दिया। एक काम कर सिंचन जब डॉक्टर को बुला के लेके आ। अरे ठीक है गाइस, ये फिंगी भाई ने मेरे को बिल्कुल सही काम दिया, दो मिनट रुको मैं अभी लेके आया। अरे यार डॉक्टर भैया कहाँ हो, एक बार चिल्ला के देखो क्या। अरे डॉक्टर भैया सुनो। अरे चिल्ला मत भाई साहब, क्या पता ज़ॉम्बी हो कोई। अरे नहीं सॉरी मुझे माफ करो गाइस, पैदल ही जाना अच्छा है। अरे उधर से आ रहे हैं डॉक्टर भैया। अरे डॉक्टर भैया सुनो ना यार। अरे हाँ बोलो क्या हो गया सिंचन। अरे इधर आप जल्दी से, सुपरमैन भैया भी ज़ॉम्बी बन गए। अरे क्या सुपरमैन ज़ॉम्बी बन गए। अरे यार पता नहीं लॉस एंड में क्या हो रहा है, हमेशा यार लोग ज़ॉम्बी बनते ही जा रहे हैं। अरे सब हैप्पी की वजह से तो हो रहा है फेंगी भाई, देखो आगे डॉक्टर भैया। भाई साहब डॉक्टर तो कुछ ऐसे बोल रहे, आपको कुछ पता ही नहीं है, खुद ही वायरस बनाया था, खुद ही फैलवाया है। अच्छा ठीक है शांत रहो, इनको मैं इन रूम में डालता हूँ, इस रूम में कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, और खाना पीना उसी के अंदर से मिलते रहेगा उनको। चलो ठीक है पहले आप इसका इलाज तो स्टार्ट करो। तो गाइस सुपरमैन भैया को डॉक्टर इस रूम के अंदर डाल रहे हैं, और डाल दिया। ये देखो गाइस यहाँ पे खड़े हैं, और इनको कुछ होगा कि नहीं होगा यार इसको ठीक कर दो यार, प्लीज। अरे हाँ तुम टेंशन मत करो, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, वो गेट इतना मजबूत है ना, सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तब भी वो गेट नहीं टूटेगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो एक बार काम करो बम डाल के देख लो। गाइस चलो एक बार एक चेक कर लेते हैं बम लगाकर। अरे फेंगी भाई गेट टूट जाएगा यार, उनको चोट लग जाएगी, मत करो। गाइस यार अरे फेंगी भाई फोड़ो यार, फिर फोड़ रहे हो तो जल्दी से। गाइस देखते हैं सुपरमैन पे कुछ होता है कि नहीं होता। ये गाइस देख लो कुछ भी नहीं हुआ उनको, वो खड़े हैं भाई साहब। अरे गाइस देख सकते हो गेट से बिल्कुल तस के तस है यार। अरे फेंगी भाई यहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर ध्यान रखना हमारे सुपरमैन भैया का। अब ये बताओ डॉक्टर हमें एंटीडोट कहाँ मिलेगा यार। अरे यार अरे वही ज़ॉम्बी जिसने मेरे से यार जबरदस्ती वायरस बनवाया था, पहले उसके पास जाओ वही बताएगा एंटीडोट के बारे में। सच में यार गाइस यार ये साइंटिस्ट किसी काम का नहीं है, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा,
और जाना पड़ेगा सीधे जॉम्बीज के पास। अरे यार देखो बाहर आते के साथ जॉम्बी जॉम्बी आ गई। अरे गाइस हमें फटाफट किसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। फ्रैंकी भैया सबसे पहले वहाँ जाओ यार जहाँ हमारी प्लेन है, और वहाँ जाने के लिए हमारे पास यार गाड़ी तो होनी चाहिए ना। फटाफट बैठता हूँ। अरे आप भी बैठो यार। गाइस चलो ठीक है, सबसे पहले हम प्लेन से जाते हैं क्योंकि बाय रोड जाएंगे तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। अरे पहले प्लेन से जाएंगे यार, कितने बार बताऊं आपको। अरे बोल तो दिया भाई साहब कि बाय रोड जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, प्लेन से जाना पड़ेगा हमको। अच्छा यही बोला क्या, मुझे तो समझ नहीं आया। गाइस कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट अपने प्लेन के पास चलते हैं और वहां से फेंकी भी आप उड़ा तो लोगे ना। अरे उड़ा लूंगा वो सब टेंशन की बात नहीं, लेकिन पहले तक प्लेन तक तो पहुंचेगा। ये देख रहे हो सब के सब हमारा रास्ता घेर के खड़े हुए हैं। गाइस ये अरे फेंकी भी ऐसे चिल्लाओगे तो लगता नहीं है आज पहुंच पाएंगी यार। गाइस एक मिनट रुक जा, और इनको भाई सब गाड़ी को मैं इनके ऊपर चढ़ा दे रहा हूँ जब भी देखो खड़ा हो जा रहा है यार। अरे यार मैंने आपको बोला ना कितने बार बताऊं कि ये पावरफुल है यार, पहले से बहुत ज्यादा है। सोच यार ये नॉर्मल लोग इतने पावरफुल है तो यार हमारा सुपरमैन कितना पावरफुल हो जाएगा सिंचन। अरे यार एक बार आप उनसे मार खा के देखना, आपको आधा आधा कर देंगे यार। अबे नहीं भाई साहब मेरे को नहीं मार खाना उनसे। ये लो यार बात करते करते। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा यार फ्रैंकलिन इतने नूब की तरह क्यों चला रहे हो आज तुम। गाइस एक मिनट, यहाँ पे प्लेन तो है लेकिन दो चार ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं। गाइस एक काम करते बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से बैठते हैं प्लेन में और यहाँ से निकलते हैं गाइस। अरे हाँ हाँ गाइस आप लोग देख सकते हो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। एक काम करो फ्रैंकलिन लेट मत करो, हम दोनों भी बैठते हैं, तुम पहले प्लेन को चालू कर लो यार। गाइस अरे यार मार रहा सिंचन क्या देख क्या रहा है तू। अरे यार लगता है ज़ॉम्बी तो मेरे से मार खाना चाहता है, वही ज़ॉम्बी ये ले। अरे गाइस सही में ये ज़ॉम्बी तो बड़ा झीठ है यार, मारू क्या इसको। मार ना जल्दी मार गाइस ये ले। अरे फेंकी मैंने उसको मार दिया और मैं भी बैठ के उड़ाओ। गाइस यार फेंकी मैंने मस्त उड़ाया यार। क्या प्लेन है भाई साहब, बिना भागे तुरंत बूस्ट दिया और उड़ गई, इतनी खतरनाक यार। ये तो आर्मी के पास ही हो सकती है यार, कर्नल कितनी मदद कर रही है ये हमें देकर। अरे बिल्कुल सही बोला। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं हमारे पास के एयरपोर्ट में, फेंकी भी आराम से उड़ाने यार, जल्दी जाना है हमें यार। गाइस यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे हमने लैंड कर दिया। अब मेरे हिसाब से वो जॉम्बी का लीडर यही होगा क्योंकि गाइस वो एक ऊंची जगह पे रहता है, मेरे को सुनने में आया है। अरे फेंकी भी यार यहाँ मत रुको, गाइस हर तरफ जॉम्बी है। आराम से गाइस हम स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहे हैं ताकि उतरते के साथ किसी गाड़ी में जा सके यार। भाई साहब मेरा दिमाग खराब कर रहे जॉम्बीज के, जॉम्बीज ये मेरे से पिटके मारेंगे सिंचन आज तो। अरे इनको जब चोटी नहीं लगती तो पिटके कैसे मारेंगे। गाइस ये फेंकी भी के पास इतना दिमाग ही नहीं है क्या। अरे यार पिटके नहीं मतलब बेहोश होके मारेंगे यार, और क्या बोल सकता हूँ मैं। अरे तो ये 10 मिनट बाद खड़े हो तो जाएंगे। गाइस एक काम करते हैं फटाफट उतरते हैं, फेंकी भी फटाफट उतरते हैं और गाड़ी में यार बैठते हैं। सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं देखो। गाइस ये कुत्ता वाला। अरे फेंकी मारो यार मारो, भाई सब हमला कर रहा है मेरे ऊपर। गाइस ये ले गाइस, ये देखो जैसे ही मैं नीचे उतरा नहीं हमला करने पहले आ गया। अरे फेंकी भी सबको मारो यार, हर तरफ ज़ॉम्बी आ गई यार, अचानक से इतने सारे ज़ॉम्बी कब आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आती यार। और इनको पता कैसे चलता है गाइस कि यहाँ पे कोई आया है, तुरंत आ जाते सारे के सारे। ये लोग गाइस सारे मेरा ही पीछा कर रहे हैं। अरे फेंकी भी देखो कहीं गाड़ी वाड़ी हो तो उसमें बैठते हैं फटाक से और निकलते हैं यहाँ से। अरे गाड़ी तो यहाँ पे बहुत सारी सिंचन, कोई सी भी गाड़ी ले लिया मैंने, फटाक से जल्दी बैठ यार। अरे बैठ रहा हूँ चौप तू फटाक से ऊपर कूद जियो ठीक है। अरे कूदा 2 मिनट गाइस फटाक से बैठते हैं हम लोग। अरे फेंकी भी जल्दी निकालो, बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ गए 2 मिनट में यार। गाइस साहब देख रहे हो क्या, जैसी यार चौप बैठ रहा था उतने में इतने सारे ज़ॉम्बीज आ गए। चलो लेकिन कोई बात नहीं, हमको जाना पड़ेगा ऊपर क्योंकि यार मेरे हिसाब से वो ऊपर ही रहता होगा। अरे वाह वाह चलो चलो चलते हैं फटाक से। तो गाइस देख सकते हो आप लोग ये पूरा एरिया बन चुका है ज़ॉम्बी एरिया, पूरा लॉस एंजेलिस बन चुका है ज़ॉम्बी एरिया। अरे ज़ॉम्बी से भर गया है यार पूरा एरिया। चलो चलो यहाँ पे ढूंढो यार कहाँ है वो आदमी। गाइस इसका एंटीडोट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कब तक यार ज़ॉम्बीज ये बन के रहेंगे, इनको इंसान तो बनाना ही पड़ेगा ना सिंचन। अरे हाँ बनाना ही पड़ेगा, मैंने कब मना किया। अरे आराम से यार इनको कोई फायदा नहीं है ठोक के। गाइस मुझे लगता है वो सामने पहाड़ में होंगे यार वो। हाँ वो बात तो है। तो गाइस वहाँ जाने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढता हूँ और मैं पहले ही ढूंढ गया। गाइस लगता है ये गली बंद है यार, वापस निकलना पड़ेगा मेरे को बाहर। अरे ये गली नहीं है, ये एरिया है यार जिसको बाहर बोलते हैं बरामदा है। जल्दी जल्दी चलो। गाइस मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, फुल स्पीड में चलते हैं। ऑल राइट गाइस अभी मुझे आ चुका हूँ नीचे। अब अरे रोड से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक काम करो पहाड़ में ना बिल्कुल साइड से चलो, बिल्कुल साइड से। और क्या गाइस सिंचन की बातें भी ठीक ही बोल रहा है,
हम रोड से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, हम सीधे पहाड़ में चढ़ जाए। ये देखो गाइस, इसको चैन नहीं है, सीधे पहाड़ में हमारे पीछा कर रहा है। अरे पहाड़ में भी ज़ॉम्बीज आ गई यार, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला गाइस, पहाड़ में भी ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। अरे मुझे डर लग रहा है फ्रैंकलिन। अरे मत डर भाई साहब, तू तो ऊपर बैठा है, हम लोग तो अंदर बैठे हैं, और हमें डरने की क्या बात है, बस हमें वो ज़ॉम्बी का लीडर मिल जाए, उसको हम बोलेंगे और सभी ज़ॉम्बीज को शांत करवा देगा, और वो सबको यार एंड्रॉयड भी बना ही देगा यार गाइस। अरे यार इतनी सारी ज़ॉम्बीज एक ही जगह पे, लगता है वो अगली बगल हो गए फ्रैंकी भैया। गाइस इतनी सारी गाड़ियां भी, लगता है इस गाड़ियों से वो अपना राशन वगैरह लाया था खाने पीने का यार। अरे हां हां फ्रैंकी भैया बिल्कुल सही बोला। अरे मुझे लगता है वो सामने है, अरे इतने उसको मारो थोड़ा देर। ओ तेरी गाइस, देख रहे हो पूरे लॉस एंजेलिस को बर्बाद करके यहाँ पे कैसे खड़ा है। अबे भाई साहब तुमने पूरे लॉस एंजेलिस को बर्बाद करके। हाँ तो क्या करूँ मैं, तुम लोग वही हो ना सिंचन और फ्रैंकलिन। अरे ये लो, अरे इनको कुछ भी नहीं हो रहा फ्रैंकी भैया। मार लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम सब, पूरे लॉस एंजेलिस को बर्बाद करके ही रहूंगा मैं। जाओ जो करना है कर लो, और तुम ये गोली मत मारो किसी को भी, किसी को कुछ नहीं होगा, सब खड़े हो जाएंगे मैं अभी तुरंत, ठीक है ना। अरे यार बुरा क्यों मान गए, एक काम करो पहले ये सारे ज़ॉम्बीज रोको, हमें आपसे बात करना है थोड़ा देर प्लीज यार। और बच्चे चलो तेरी बात मान ली, और सबके सब शांत बैठ जाओ ठीक है ना, मैं थोड़ा कुछ बात कर लूं। अरे यार ये आपकी बात मानते भी है? अरे मेरी ही तो बात मानते हैं, किसकी बात मानेंगे ये लोग। अरे फ्रैंकी भैया बम फेंको यार, ये फटाक से बेहोश हो जाएंगे और क्या। अरे बच्चे तुम पागल हो क्या, मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे गिर गए। अरे फ्रैंकी भैया इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों आ रहे हैं यार। अरे मैंने बोला तुम सब शांत बैठ जाओ, मैं सिंचन और फ्रैंकलिन थोड़ा बात कर लूं यार। अरे गाइस ये समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे ज़ॉम्बीज और एक ये अंकल पता नहीं कैसे हैं ज़ॉम्बी वाले, अरे बहुत बेकार हो आप यार। गाइस अभी सारे ज़ॉम्बीज बैठ गए इसके बोलने पर, अब हमसे इनके बात कर चुके हैं, और यार एक बात बताओ हमें एंटीडोट कैसे मिलेगा ज़ॉम्बी वायरस का। अरे पागल वागल हो गया तुम, मुझसे ही पूछने आए हो कैसे बनेगा एंटीडोट। अरे भाई साहब तू पिट के पागल हो गया। अरे यार आपको पता ही नहीं है कहाँ बनता है एंटीडोट, आपको पता होता तब ना। अरे पागल है क्या, मैं क्यों बताऊंगा तेरे को कि वो एक बाबा है और पहाड़ में वो। अरे पागल है क्या, मैं नहीं बताऊं तेरे को, यहाँ से निकल। अरे फ्रैंकी इनने बता दिया यहाँ से भागो यार, फटाक से चलते हैं गाइस, इनने बता दिया कि एक बाबा है वो बनाते हैं एंटीडोट। अरे बाबा बल्ले बल्ले। ओ तेरी गाइस, गाड़ी में क्या बैठे हैं, गाड़ी तो पंचर, गाइस इधर निकलना पड़ेगा हमको यार। अरे गाड़ी नहीं पूरी गाड़ी फूट गई, हमें यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। अरे पकड़ो उसको, उसको पता चल गया कि बाबा एंटीडोट बना देंगे, पकड़ो उसको। अरे फ्रैंकी भी आप पहाड़ से कूदो, पैराशूट लेके मैं भी कूद रहा हूँ ठीक है। गाइस देख रहे हो सिंचन का दिमाग, ओ तेरी यार मुंह पे लग गया। अरे अपने ध्यान रखना यार, गिरना मत। गाइस ये ज़ॉम्बी हमारे पीछे पड़े हैं, फ्रैंकी भाई जल्दी जल्दी कूदो यार, मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे। भाई साहब कितना मंद बुद्धि था भाई, वो खुद उसने खुद बता दिया कि बाबा एक पहाड़ में रहते हैं और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गाइस ओ तेरी पैराशूट खुल जा। अरे वाह मजी आ गई गाइस, मैं भी आ रहा हूँ फ्रैंकी भाई आपके पीछे। चौपर सिंचन भी आ रहा है, गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं, और वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। सिंचन नीचे फैक्ट्री में मिलते हैं फटाक से। अरे हाँ चलो चलो गाइस। अरे बहुत हवा आ रही है यार मेरे मुंह पे। गाइस कितना मजा आ रहा है मेरे को, और यहाँ पे फैक्ट्री में सेफ लैंडिंग करनी है और थोड़ी सी, और बस बस। ओ गाइस यार अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे को, और अभी भी कुछ नहीं होगा गाइस। ओ तेरी मुंह पे लग गया गाइस, ओ तेरी सिंचन तू आया कि नहीं आया गाइस, लग रहा है सिंचन अभी तक आया नहीं, मेरी आवाज उसको मिल नहीं थी। गाइस ये कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कोई काम वगैरह चलता है, एक काम करता हूँ सिंचन को ढूंढता हूँ, भाई सिंचन कहाँ पे लैंड हो गया है, और चौबी पता नहीं कहाँ चला गया है। गाइस हमें एंटीडोट के बारे में कुछ पता चल चुका है, एक बाबा है। अरे फ्रैंकी भाई मैं आ गया, सुनो मैं सुन रहा था यार, वो बोल रहा था कि तुम बाबा को नहीं ढूंढ पाओगे, बाबा को नहीं ढूंढ पाएंगे, और उसके मुंह से मैंने ये भी सुना था भाई साहब पहाड़ के बीच में कोई बाबा रहते हैं, बस इतना मैंने सुना, और वो खुद चुप हो गया था सिंचन। अरे यार कोई बात नहीं, हमें पता चल गया कि बाबा एंटीडोट बनाते हैं। ओ गाइस यार अब देखते हैं क्या हो गई यार। अरे चुप तू आना। अरे यार मैं तुम लोग को सुन रहा हूँ, तुम लोग मुझे नहीं सुन पा रहे क्या। गाइस चॉप कहाँ गया भाई साहब, अबे चॉप चॉप तो दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ गया। अरे यार वो अभी नीचे से तो आ रहे थे। अरे चॉप तो कहाँ गया। अरे मैं ऊपर आ गया, तुम लोगों ने देखा नहीं था क्या मुझे। गाइस देख रहे हो चॉप तो दिखता ही नहीं, इतना छोटा सा है, और मैं सोच रहा हूँ सिंचन वो बाबा कहाँ मिलेंगे हमको यार जो एंटीडोट बनाएंगे। अरे यार उन्होंने बोला था पहाड़ के आसपास, अब हमें ढूंढना पड़ेगा यार, ये तो हमें पता ही है, हमें ढूंढना ही पड़ेगा अब।
गाइस इतने सारे पहाड़ों के बीच में बाबा को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? और अबे तुम सब पागल हो क्या? ज़ॉम्बियों की जा सीधे मेरे बेस कैंप में चले जाओ। अरे गाइस ये फेंगी भैया तो बहुत अच्छे हैं। फेंगी भैया अब हम लोग फटाफट यहाँ चलेंगे और बाबा को ढूंढ के लाएंगे। वो बाबा जहाँ भी मिले और चाहे कुछ भी करें हमें यार एंटीट्यूड बनवाना ही पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा यार। गाइस मेरे हिसाब से वो बाबा हमें नहीं मिलेंगे यार, क्योंकि यार कहाँ ढूंढ के लाएंगे हम उनको, लेकिन हम लोग ढूंढ के लाएंगे लॉस सैंटोस की जनता के लिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।